मित्रों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों आपको हम इस वीडियो में बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वीपीटीओ का रिजल्ट कब तक में रिलीज कर दिया जाएगा। मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं जो वीडियो और वीपीटीओ का जो रिजल्ट है वो आप देखे होंगे 4 से लगभग 5 दिसंबर तक में ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये क्लियर हो गया था। जब आपका मित्रों ये 4 से 5 दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो सवाल यह है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। मित्रों हमने देखा है चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो किसी भी एग्ज़ाम को होने के बाद लगभग 2 महीने तक आपका समय लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो आपका है वीडियो वीपीटीओ का एग्ज़ाम जो होता है ये सब एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें लिखित भी होते हैं, मेंस टाइप के भी होते हैं, वैकल्पिक के होते हैं, कुछ मामले में इंटरव्यू के टाइप के भी होते हैं। अगर मित्रों आपका केवल लिखित एग्जामिनेशन पे अगर आधारित है तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मित्रों आपका जो रिजल्ट है अगर लिखित एग्जामिनेशन पर आधारित है तब आपका मित्रों जो रिजल्ट है वो लगभग कि 3 से 4 महीने समय लेता है, यानी दिसंबर के बाद नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मित्रों अब यह जताया जा रहा है मान लीजिए 4 महीने समय लिया तो अप्रैल तक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए जाना चाहिए। ठीक, तो मित्रों जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है कि आपका अप्रैल माह में यानी इसी अप्रैल माह में किसी दिन भी 1 से 2-3 दिन में, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी, 4 दिन भी, यानी किसी दिन भी आपका मित्रों जो रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। राइट, किसी दिन भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बात समझ में आ रही है मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।